कंस तो कौन है बताओ? जब सागर मंथन के बाद देवासुर संग्राम हुआ था तो उस समय सारे असुर मारे गए थे और देवता अमृत पी चुके थे, सब बच गए थे। लेकिन कहते ना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो शुक्राचार्य आए, सब असुरों को जगा वापस जीवित कर दिए संजीवनी विद्या से। उसी में एक राक्षस था, उसका नाम था कालनेमी। उस कालनेमी को भी जीवित कर दिया शुक्राचार्य ने। कालनेमी ने कहा कि गुरुदेव मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूं। उसने कहा कि इसके लिए तपस्या करो। कालनेमी ने तपस्या किया। ये वो कालनेमी नहीं है जो हनुमान जी के मार्ग रोक रहे थे, ये दूसरे कालनेमी है। तो कालनेमी ने ब्रह्मा जी को खुश किया तपस्या करके। ब्रह्मा जी बोले, क्या चाहिए? कहा कि मैं मुझे अजय होने का वरदान दीजिए, त्रिलोक जयी बन जाऊं। कहा कि इस समय नहीं, 28वें द्वापर के अंत में जब कृष्ण अवतार होगा उस समय तुम्हारा अवतार होगा। वही कालनेमी कंस बन करके आया और त्रिलोक जयी बना। बड़ा प्रतापी था कंस, उसको कोई जीत नहीं पाया, सबको हरा दिया था उसने।